हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। काफी दिनों से चर्चा में रहे अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी की फिल्म ये साली आशिकी का आज ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म का निर्देशक चिराग रुपेल कर रहे हैं। अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी की फिल्म ये साली आशिकी का पीवीआर जुहू में आज ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम सीन भी फिल्म को दमदार बना सकते हैं। फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है। काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि शायद वरदान पुरी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। अपनी पहली फिल्म से वरदान पुरी और शिवालिका ओबेरॉय आपका दिल जीत सकते हैं। फिल्म का निर्देशन चिराग रुपेल कर रहे हैं। इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली शिवालिका ओबेरॉय भी फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती है। वह प्रोड्यूसर महावीर ओबेरॉय की पोती है। जयंती लाल गड़ा और राजीव अमरीश पुरी इसके निर्माता है। वरदान पुरी पहले भी इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके दादा अमरीश पुरी का ये सपना था कि वे अभिनय करें। देखना होगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को कितना पसंद आती है। आई फील लाइक व्हाट हेल्प्स यू गेट अ ब्रेक इज ट्रेनिंग एंड प्रेपरेशन एंड ऑफ कोर्स वाचिंग ऑल देयर फिल्म्स ट्रेन मी टू बिकम एन एक्टर। ऑल माय कन्वर्सेशंस विद माय ग्रैंडफादर हैज टॉट मी नथिंग दैट नथिंग बट प्रेपरेशन इज द की। एज यू नो द रूट्स ऑफ माय फैमिली in terms of performance stem from theater. So essentially we are all theater actors. Our upbringing is theater based. Theater mein there is no such thing as ye hai to iska ye ho jayega, this person has influence iska ye ho jayega. Theater is a very fair medium, and the key to becoming an actor has always been observing my elders, observing Chaman Dadu, Madan Dadu, my own Amrish Dadu. So of course, learning from them, getting help from them, prepared me for cinema. And of course, yes, that helps to prepare in the medium of cinema. 8 नवंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म बाला की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने मुंबई में मीडिया से बातें की और बताया कि फिल्म एक बहुत ही बड़ा सोशल मैसेज का जरिया है। 8 नवंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म बाला की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने आज मुंबई में मीडिया से बातें की और बताया कि ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा सोशल मैसेज है और लोगों को पसंद आने वाली है। ये फिल्म बताती है कि इंसान काला हो या गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर से कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। यही इस फिल्म का मैसेज है। इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जिसे लेकर भूमि पेडनेकर बहुत एक्साइटेड है। और साथ ही में फिल्म में बताया गया है कि कैसे जब लड़कों के बाल धीरे धीरे जाते हैं तब वो कितना कॉन्शियस होते हैं। सेम लड़कियों के साथ भी होता है, उनके बाल जाते हैं तब वो धीरे धीरे बहुत ही कॉन्शियस हो जाती है। बहुत ही सिंपल फिल्म है, एक ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशन आपके अंदर लाती है। और हम दोनों बहुत ही अलग दिख रहे हैं इस फिल्म में, ऑफ कोर्स, एंड हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है इस फिल्म में। यूजुअली मैं आयुष्मान रोम कॉम्स करते हैं, यू नो, लव स्टोरीज करते हैं विद अ ट्विस्ट, और इस बार हम दोनों इन अ वेरी टिपिकल वे रोमांटिकली एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने ये फिल्म करी कि मैंने कहा यार हम इतना मजा आता है एक दूसरे के साथ काम करके, कुछ अलग काम करके देखते हैं कैसा लगता है। मुंबई के ऑडिटोरियम में एडलवेस टोक्यो लाइफ ने अपने रिसर्च रिपोर्ट ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया को अनवील किया है। इस मौके पर राहुल बोस और अजय शाह के अलावा इंडिया के टॉप डॉक्टर्स भी प्रेजेंट हुए और सभी ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बातें की। आज मुंबई के ऑडिटोरियम एडवेल्स हाउस कलीना मुंबई में एडवेल्स टोक्यो लाइफ ने अपने रिसर्च रिपोर्ट ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया को अनवील किया। यहां पर राहुल बोस और राशेश शाह के अलावा इंडिया के टॉप डॉक्टर्स भी प्रेजेंट हुए थे और सभी ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बातें की और ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में आ रही है इस बारे में डिस्कशन किया और सभी ने अपने अपने रिपोर्ट सबमिट किए। राहुल बोस ने सभी से ऑर्गन डोनेट करने की अपील भी की। I think today in India, most people want to give back something to society. Most people are aware that if they cross the road, the levels of poverty, pain, discrimination and sorrow are nothing compared to what they are going through. You just have to cross the road in India. And there is something that
stays with us like a hook in our head and our heart, that is there anything I can do? And most of us wonder, what can I do? And even if I can do something, who do I give it to? And will it be used properly? And all these are the questions, very natural questions to anybody who decides to start giving back. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ।